गुड आफ्टरनून लर्नर्स आर वी लाइव प्लीज कन्फर्म कर दीजिए क्या हम लाइव हैं ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर आ रही है प्लीज कन्फर्म इज वीडियो क्लियर टू एवरीबॉडी प्लीज कन्फर्म मैं एक बार चेक कर लेती हूँ के महा उत्सव की आप सबको, सबको शुभकामनाएं आज से हमारी रिविजन स्टार्ट हो रही है और रिविजन स्टार्ट करने का सोल पर्पज आज के लिए यही था ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकू एक सी ए स्टूडेंट की लाइफ से आजाद होके एक सी ए बनने की लाइफ में आपका एंट्री कराने के लिए तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी म्यूचुअल फंड्स की and and again, की रिवीजन रिवीजन एंड एंड टाइम अगेन हर चैप्टर आती रहेगी तो सबसे सिंपल और इजी वे में आज शुरू करते हैं चलिए पहला है व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाई वर दे इंट्रोड्यूस्ड तो ये इनका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ मार्केट में अब देखिए आप जैसे नहीं पर आप जैसे दूसरे लोग जैसे पिंकी मोगे वाली हैरी पुत्र पप्पू पप्पू इनके पास पैसा तो बहुत है ऑल ऑफ देम हैव मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट की टर्म्स टू इन्वेस्ट बट दे आर पीपल बट दे आर आर पीपल पीपल दे इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर इनको पता नहीं कि कहा इन्वेस्ट करें इनको पता नहीं कहा इन्वेस्ट करें फिर क्या होता है कि डिमांड तो है इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है मार्केट में म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज म्यूचुअल फंड कंपनीज हमने क्लास में भी ऐसा एग्जांपल देखा था देखते हैं सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में हमारी एसएफएम के टर्म्स में कैसे फंक्शन होता है इनका हाउ डू म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स लेट्स सी देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज के क्या होते हैं स्पोंसर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाते हैं और ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है फटाफट फड़ से चार्ट बॉक्स में सारे लोग बताएंगे कि ट्रस्ट कौन सी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है लोगों से ये लोग क्या करते हैं ये लोग पैसा रेज करते हैं अब क्या है कि स्पॉन्सर्स खुद तो बैठते नहीं वो क्या करते हैं ट्रस्टीज को अपॉइंट कर देते हैं ट्रस्टीज को अपॉइंट कर देते हैं जिनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बॉट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बॉट पॉइंट करते हैं किसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इनके पास पैसा कहाँ से आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट से रेस किया है पैसा इन्वेस्टर्स से वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते दे हैं और अब इसके नाम से ही समझ में एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो ये क्या करते हैं आपके पैसे को आपके एसेट को क्या करते हैं मैनेज करते हैं कहीं भी मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोस भी बना के मैनेज हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और मार्केट में ये जो एसेट्स इन्वेस्ट होते हैं वो रिटर्न अर्न करके देती है किसको इन्वेस्टर्स को तो जो आपने टर्म सुनी हुई है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क आई होप इस फ्लो चार्ट से आप सबको क्लियर हो गई हो वेरी गुड सब कह रहे हैं ट्वेल्व ए ए वेरी राइट ठीक है जी तो क्या ये टर्म क्लियर है कि वाई आर दी म्यूचुअल फंड नो गाइस इन दी कम ऑन अब देखिए अगर पिंकी अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करती अपने पैसे स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करती तो उसे हम कहते active investment, उसे हम लोग कहते active investment. But, pinky के पैसे, pinky के पैसे कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं कौन इन्वेस्ट कर रहे फ्रेंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है क्या पिंकी ने जो फैसले अपने आप लेने थे क्या वो फैसले एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेगी कब उसके म्यूचुअल फंड की जो भी पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज हैं उनको कब 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 सेल करना 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 है कब करना है कब करना है रिडीम राइट इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला कि एक्टिव में तो हम खुद मालिक हैं खुद मालिक हैं पैसिव में कोई और मालिक है हम नाम के मालिक हैं, काम का मालिक कोई और है अंडरस्टूड गाइज क्या हम म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को पैसिव इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कह सकते हैं यस और नो पैसिव इन्वेस्टमेंट। चलिए। अब मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके ना हर जगह बोल्ड में लिख रखा है इसको तो आपने हाईलाइट करना ही करना है और अपने पांच ग्राम के दिमाग में डाल लेना है ताकि वो एक दिन दस ग्राम का हो जाए ठीक है जी ये चीज सबके दिमाग में जानी चाहिए ऐसे ही हर रिवीजन वीडियो में मैं ट्राई करती रहूंगी कि जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए उन्हें बोल्ड करती जाऊं ताकि आप सबको समझ में आए म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स आर पॉसिबल इन डेसिमल्स हमने देखा है कितनी बार हमारी एन या हमारी यूनिट्स डेसिमल्स में आए हैं क्या आपने कभी देखा है मैंने टेन पॉइंट टेन पॉइंट जीरो जीरो टू रुपीज का शेयर खरीदा कभी ऐसा किसी ने देखा है शेयर के, के केस में तो वो है एस के स्टार्ट जैसे हम क्लास में यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी वो है एस एफ एम के फ्लड पर आप लोगों के पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आ सकते हैं डेसिमल्स में तो आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन ये मेरे को बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम कितने डेसिमल लेने टू थ्री फोर थर्ड सेक्टर कितने डेसिमल्स लेने देखिए आप यूजुअली टू डेमल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पर मैंने आप लोगों को टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस के साथ में भी इंडिकेट करके भी बताया है कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि थ्री फोर डेसिमल्स में कब हमें सॉल्व करना है और अगर डेसिमल्स में हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स में अलग आता है तो फाइनल आंसर हमारा रूपी वन टू रूपी फाइव के बीच में डिफरेंस आ सकता है तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज का डिफरेंस आ सकता है आप अन अकेडमी पे मुझसे जुड़ सकते हैं SFM की फास्ट ट्रैक बैच मैंने वहां पे स्टार्ट करी हुई है अन अकेडमी पे आप इजिली हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है सुकृति आज के एंड में भी मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर कर दूंगी और अगर क्वेश्चन में ही मैं आपको थ्री डेस एम एल्स या फोर डेसिमल्स में कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन इज आर होली बुक क्वेश्चन इज आर होली बुक क्वेश्चन इज आर होली बुक तो आप क्वेश्चन की बात को कंसिडर करेंगे आप क्वेश्चन की बात को कंसिडर करेंगे यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज बताइए यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज बताइए ठीक है जी यस yes? तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनएवी पे एनएवी क्या होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू एनएवीज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर यूनिट वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटेड पर यूनिट वैल्यू दो बार लिखा है दो बार लिखा है उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है इफ इन क्वेश्चन मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट और लाइबिलिटी एंड बुक वैल्यू इज ऑल्सो गिवन ऑलवेज टेक मार्केट वैल्यू ऑलवेज टेक मार्केट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन बट इफ क्वेश्चन एक क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन थी और बुक वैल्यू भी गिवन थी पर क्वेश्चन में एंड में बोला था कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को आपने बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है तो हमने बुक वैल्यू को इन्वेस्टमेंट के तौर पे महत्व दिया था राइट का फोर्थ पॉइंट आता है एनएवी के लिए एन एवी सिग्निफाइज द रियलाइजेबल वैल्यू दैट द इन्वेस्टर विल गेट फॉर ईच यूनिट ऑफ वन होल्डिंग इफ द स्कीम इज लिक्विडेटेड ऑन दैट डेट इसका मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ and this part is very very important NAV is calculated for each team, not for each not the whole company company आदित्य बिरला कंपनी है आदित्य, company है आदित्य ठीक है जी? पर इनका एक mutual fund आता है आदित्य बिरला mutual fund ठीक है जी तो आप इसकी पर्टिकुलर स्कीम की एन एवी कैल्कुलेट करेंगे जो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम है जैसे टॉप 500 हंड्रेड स्कीम्स में आता है तो आप इसकी ही मार्केट वैल्यू एनएवी के लिए कैलकुलेट के यूज करेंगे ना कि ग्रुप की तो हम लोग लिख सकते हैं एनएवी का फॉर्मूला एनएवी का फॉर्मूला क्या है नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स अब देखिए नॉर्मल एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग नॉर्मल एक बैलेंस शीट बनाते हैं लेफ्ट साइड पे क्या आता है गाइस लेफ्ट साइड पे क्या आता है लाइबिलिटी और इधर आते हैं आप लोगों के एसेट्स लाइबिलिटी और इधर आते हैं एसेट्स अब एसेट्स में आपके पास कैश भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं कुछ अक्रूड इनकम्स भी हो सकती हैं। लाइबिलिटीज में आपके पास कुछ अक्रूड एक्सपेंसिस भी हो सकते हैं कुछ आप लोगों के पास पेबल्स भी हो सकते हैं ये सब आपके आते हैं एक्सटर्नल या जिसको हम कहते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज ठीक है जी तो ये सब आप ऐड करने हैं टोटल एसेट्स ऐड करने हैं देखिए अगर आप कभी बाई चांस फार्मूला भूल रहे हैं बाई चांस तो आप लोग फॉर्मूला को डी कैसे करेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रिविजन लेक्चर में बतानी चाहिए नेट एसेट दो शब्द दिख रहे हैं नेट एसेट तो जो सेकेंड शब्द है एसेट उसका तो मतलब है कि उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और नेट का मतलब होता है उसमें से कुछ कुछ माइनस करेंगे टोटल ऑफ एसेट्स एंड उसमें से कुछ माइनस करेंगे समथिंग हैज टू बी एंड वी नो दैट लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सो नेट ऑफ एसेट्स लिख लीजिए नेट ऑफ एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो अब ये वाला पॉइंट समझने का टाइम आ गया है जो मैंने कहा था कि अभी मैं आपको समझाती हूँ इसमें मैंने बोला था कि एन एवी सिग्निफाई करता है रिलाईजेबल वैल्यू जो हम लोग होल्डिंग पे जब लिक्विडेट करेंगे जो कि हम होल्डिंग पे गेन करने वाले राइट गाइस right तो

अब एक क्वेश्चन हमने पर्टिकुलरली है और वो है हमारे मॉड्यूल का हर जगह पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो जो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे आप लोग करते जाइएगा आपका अन अकेडमी पे बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड का टेस्ट भी मैं कंडक्ट करने वाली हूँ ठीक है जी अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट

ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन होगा एज ऑन वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नहीं गिवन है आपको इशू प्रोसीड्स जैसे मैंने यूनिट्स इशू किए हैं म्यूचुअल फंड के एट द रेट रुपीज टेन तो इशू प्रोसीड्स कितनी आ गई टेन थाउजेंड इंटू रुपीज टेन विच इज वन लैख ठीक है जी इशू प्रोसीड्स माइनस जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं थ्रू आउट द ईयर माइनस कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस किए हैं ये फिगर प्लस कर देंगे उसके अंदर हमारी जो इनकम है जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है अगर याद है किसी को तो हमने किया था एट परसेंट कुछ डिवेंचर्स में था टेन परसेंट किसी लिस्टेड सिक्योरिटी में था इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था ठीक है जी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव और कोई भी अगर हमने सेल करा है तो वो भी हमारी इनकम है तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी तो उसमें से लेस कर देंगे लेस कर देंगे अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिटेन अर्निंग से अब रिटेन अर्निंग से सिर्फ दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है डिविडेंड का और कैपिटल गेन का वो माइनस कर देंगे कोई सिक्योरिटी परचेज किया है कोई कैश एक्सपेंस इनका किया है सारे खर्चे अपने माइनस कर देंगे जो कि कैश के खर्चे हैं जो कि कैश के खर्चे हैं है, फटाफट फड़ से चार्ट में बता दो क्या अक्रूड खर्चे आएंगे इसके अंदर क्या अक्रूड इनकम या अक्रूड एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे फटाफट फड़ से चार्ट में गाइस फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा आ जाएगा और आप मेरे मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर इलेवन इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट वी मूव टू दी वैल्यूएशन रूल्स के क्या क्रक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे भी आपने जिस फैकल्टी से आपने म्यूचुअल फंड किया है उसके फर्स्ट पेज पे ये तीन पॉइंट लिख लीजिएगा ये थ्री पॉइंट लिख लीजिएगा और अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं और पेपर में आपका दिमाग पांच ग्राम का घिस के आपको दस ग्राम का बना देता है तो फटाफट से आपको याद आ जाएगा तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे वेरी गुड गाइज लिक्विड एसिड्स लाइक कैश आर टेकन ऑन बुक वैल्यू आर टेकन ऑन बुक वैल्यू कैश की अगर किसी को मार्केट वैल्यू मिल जाए मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ कैश की किसी को मार्केट वैल्यू मिल जाए तो प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना सेकेंड है लिस्टेड सिक्योरिटीज देन टेक द क्लोजिंग मार्केट प्राइस हमने देखा था क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज को वैल्यूएट करते हैं पुरानी को जाने दो नई को आने दो राइट right गाइस और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो दो चीजें कंसिडर करनी है आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर लेस विल बी टेकन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की हिडन एडजस्टमेंट आप लोग देखेंगे कि क्या उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी और क्या उसका बुक वैल्यू था और जो लोअर था आप उसे ले लेंगे वैल्यूएशन रूल्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे चॉकलेटी कॉन्सेप्ट है ये ये अगर आपने सीख लिया अभी रिविजन करते करते आपने देख लिया इन डिटेल तो हमने देखा ही है अपना कॉन्सेप्ट बट रिविजन में अगर मैं समराइज करूं क्रक्स जैसे मैंने लिखा है तो ये तीन चीजें बनती है सब लोग नोट कर लेंगे इसको ठीक है जी अब क्वेश्चन में तीसरी चीज हमें पूछी जाती है यूजली ओपनिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज गिवन कैलकुलेट द क्लोजिंग एनएवी पूरा गेम देखिए एनएवी का ही है पूरा गेम म्यूचुअल एनएवी का ही है या कान यहाँ से पकड़ लो या कान को यहाँ से पकड़ लो कैलकुलेट तो आपको एनएवी ही कर रही है तो अगर आपको ओपनिंग एनएवी गिवन है जिसको हम एन जीरो भी बोलते हैं तो आप एन ए वन तक कैसे पहुंचेंगे और एनएवी कैसे होती है गाइज अभी मैंने आप लोगों को बताया था एनएवी इज पर यूनिट इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एंड इट इज ऑलवेज पर यूनिट ठीक है जी अब फटाफट फड़ से परफॉर्म आ रेवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर आप मेरे मॉड्यूल का जाके ट्वेंटी एट कर सकते हैं मॉड्यूल अवेलेबल है सिर्फ प्लस कोर्स सब्सक्राइबर्स को तो अगर आपने अभी तक अन अकेडमी पे प्लस कोर्सेज नहीं लिए हैं तो आप आइकॉनिक और हमारे नॉर्मल कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं थ्री मंथ से लेके थर्टी सिक्स मंथ तक की इजी अफोर्डेबल रेट पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं आप कोर्ट लगाएंगे सुकृति तो आपको मिलेगी मेरी फ्री हैंड होल्डिंग और साथ में मिलेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ठीक है जी और अगर कोई मेरे फॉरेक्स के लर्नर्स यहाँ पे बैठे हैं तो प्लीज बता दीजिए कि मैंने आपको फॉरेक्स भी कैसा करवाया क्योंकि सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगी फॉरेक्स की क्लोजिंग एन हमारे को क्लोजिंग एन कैलकुलेट करना है तो हमें ओपनिंग एनएवी गिवन होती है अगर नहीं गिवन है नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू फेयर वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू फेयर वैल्यू ठीक है जी फिर ऐड करेंगे उसमें पोर्टफोलियो की वैल्यू एप्रिसिएशन दिस इज गिवन इन क्वेश्चंस दिस इज गिवन इन क्वेश्चंस ठीक है जी कोई फ्रेश यूनिट्स इशू किए हैं आप लोगों ने क्या होता है कि पूरे साल पोर्टफोलियो चलता है पूरे साल आपके म्यूचुअल फंड्स चलते हैं तो कुछ फ्रेश यूनिट्स इशू भी होते हैं कुछ यूनिट्स रीपर्चेज भी होते हैं कुछ फ्रेश यूनिट्स इशू भी होते हैं कुछ यूनिट्स रीपरचेज भी होते हैं तो जो यूनिट्स रीपर्चेज है, तो हुए हैं वो आप लोग माइनस कर देंगे कैश क्लोजिंग एनएवी कैलकुलेट करते करते ठीक है जी और जो फ्रेश हुए हैं उनको आप एड कर देंगे और कोई भी आपको इनकम रिसीव हुई है जैसे डिविडेंड रिसीव हुआ है या कैपिटल गेन रिसीव हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे कोई आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है तो उससे आ जाएगी आपके पास क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू और डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ यूनिट से तो क्या आ जाएंगे क्लोजिंग एन एवी विच इज रूपीज

आपने सौ रुपए लगाकर ठीक है जी खत्म हो रहा है आपको वन फिफ्टी रुपीज पे स्टार्ट किया सौ रुपए लगा के और खत्म हो रहा है पे. तो आपको बीच में मिल गया कैश डिविडेंड तेरह रुपए का और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ सेवनटीन रुपीज का तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी रिटर्न क्या है हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है इट इज लाइक वन फिफ्टी जो एंड में मिला माइनस हंड्रेड जो हमने लगाया था और बीच बीच में जो भी हमारी इनकम हुई डिवाइडेड बाय जो भी पैसा हमने लगाया था इनटू 100 हंड्रेड तो ये एट्टी परसेंट आ गया बट अब हमें देखना है हमें निकालनी होती है हमारी एनुअलाइज रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न तो हम इन टू जो हमारी होल्डिंग होल्डिंग है है सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ तो आपकी अप्रॉक्सिमेट रिटर्न जो आएगी वो आएगी एनुअलाइज रिटर्न क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि हमें रिटर्न गिवन है कि हमें प्रॉपर होल्डिंग पीरियड रिटर्न गिवन है उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है अब देखिए मैं पढ़िया आपको सुना देती हूँ इन्वेस्टर डिराइव थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न में उसे क्या मिलता है कैश डिविडेंड मिलता है कैपिटल गेन डिस्बर्समेंट मिलता है और चेंज इन द फंड एनएवी कैपिटल गेन बोलते हैं क्या होता है वो क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी जो ये चीज है वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड तो ये है फिफ्टी रूपीज ये क्या है ये अनियलाइज कैपिटल गेन है तो ये भी तो ओवर द टाइम आपने अर्न ही किया है अपनी होल्डिंग पीरियड से आपने अर्न ही किया है उसको कैपिटल गेन बोलेंगे और देखिए क्लोजिंग एन एवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड रिसीव प्लस कैपिटल गेन वही किया हमने भी सेम चीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग एन एव इन टू हंड्रेड पर इन टू मंथस भी हो जाएगा इन टू ट्वेल्व डिवाइडेड बायथ टू कैलकुलेट योर एनुअलाइज रिटर्न

तो इन्वेस्टर सिलेक्ट वन स्कीम एंड वन प्लान इन्वेस्टर एक स्कीम सिलेक्ट करता है और उसमें से कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करता है कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करता है तो इस केस में जो आपका एनएवी निकलता है वो पर स्कीम पर प्लान निकलेगा जो आपका एनएवी है वो पर स्कीम पर प्लान निकलेगा तो इस तरीके से चार चीजें होती हैं उसका मैंने क्लक्स एकदम ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पे डिफरेंट प्लान अंडर म्यूचुअल फंड नंबर वन प्लान इज डिविडेंड पे आउट प्लान

डिडेंड इज पेड इन कैश एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेम क्योंकि जिन्होंने आपकी होल्ड कर रखे है डिविडें जिन्होंने आपके यूनिट होल्ड कर रखे हैं उन्हीं को, ही तो, को ही तो आप डिविडेंट पे कर रहे हैं सेकेंड आ जाता है बोनस प्लान डिस्ट्रीब्यूट है, होते हैं तो इससे आप बिना इम्पैक्ट पड़े भी ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या होगा जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट विल इंक्रीज एंड वेन द नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज दी विल फॉल राइट गाइस क्लियर ठीक है जी थर्ड प्लान आ जाता है ग्रोथ ग्रोथ प्लान प्लान में क्या है ना तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना ही कोई बोनस यूनिट्स दिए जाते हैं तो एनएवी क्या होगी एन इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ द ग्रोथ जैसे मार्केट में अगर ग्रोथ हो गई आपके म्यूचुअल फंड की बाइ टेन परसेंट तो एन भी टू द एक्सटेंट ऑफ टेन परसेंट ही इंक्रीज करेगी एन भी टू द एक्सटेंट ऑफ टेन परसेंट ही इंक्रीज करेगी तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका एनएवी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट

देखिए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट डिविडेंट री इन्वेस्टमेंट तो इसका क्या मतलब है कि डिविडेंड डिक्लेयर तो किया जा रहा है पर कंपनीज री इन्वेस्टिंग एट बैक कंपनी वापस से अपने बिजनेस में इस पैसे को लगा रही है देखिए ऑल दो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट इट इज नॉट पेड अमाउंट ऑफ डिविडेंट इज अगेन री एट दिविडेंट एन एवी प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट एट दी एक्स डिडेंड एनएसिंग एट द टाइम ऑफ डिक्लेन मैम किस दिन की एनएवी लेनी होती है बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ये एक लाइन में कन्फ्यूजन सोल्व हो जाती है एक लाइन से कंफ्यूजन सोल्व हो जाती है उस दिन की एक्स डिट एक्स डिविडेंड एनएवी ले लेंगे आप और आप उस दिन की एक्स डिट एनए के साथ में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इम्पैक्ट क्या होगा एन एवी विल सॉल्व एंड नंबर ऑफ यूनिट विल इंक्रीज समझ में आ गया सबको फिर एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड को देखना होता है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी रिटर्न कम जा रही है तो कुछ ऐसा करें कि हमारे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहें हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहें ताकि इन्वेस्टर्स को हम मैक्सिमम रिटर्न दे सके तो एक्सपेंस रेशो पढ़ के क्या समझ में आ रहा है मॉड्यूल कि से आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मॉड्यूल से जाके प्रैक्टिस लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ये मेरा मॉड्यूल है आईसीआई के मॉड्यूल की अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही है ठीक है जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड अभी हमने देखा था कि हम लोग सौ रुपए लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड हमें डेढ़ सौ रुपए देता है बीच में कुछ पेमेंट्स और भी होती हैं जैसे डिविडेंड और कैपिटल गेन ठीक है जी अब रिलेशन क्या है उसकी रिटर्न के बीच में उनके रेकनिंग एक्सपेंडिचर्स के बीच में जो अभी हमने देखा कि एक्सपेंस रेशियो से कैलकुलेट होगा इशू एक्सपेंस एक्सपेंस भी वो से देखेंगे एंड द रिटर्न डिजायर्ड बाय द इन्वेस्टर सब इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर सब इन्वेस्टर्स का दिल मांगे मोर जितना मिल जाए उतना लागे कम जितना मिल जाए उतना लागे कम बट अब इन डिफरेंस पॉइंट तो लाना होगा ना इन्वेस्टर का तो दिल मांगता रहेगा मोर मोर बट म्यूचुअल फंड अपनी लिमिटेशन है म्यूचुअल फंड तो अपनी लिमिटेशन है मार्केट में अर्न करने की तो क्या करेंगे कुछ इन डिफरेंस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे कुछ इन डिफरेंस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेप्ट समझाती हूँ फटाफट से एस एफ एम के रिविजन लेक्चर में भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं और क्या चाहिए आप लोगों को देखिए अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर है अभी हमने देखा था पिंकी का पिंकी अगर एक्टिव इन्वेस्टर होती स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्ट करती तो उसको अगर रिटर्न मिलती टेन परसेंट पर अब पिंकी को समझ नहीं आ रहा कि पिंकी कहाँ इन्वेस्ट करे पिंकी परेशान है पिंकी उदास है तो पिंकी डिसाइड करती है कि मैं पैसिव इन्वेस्टर बनूंगी पर पिंकी को पता है कि वो खुद से टेन परसेंट पैसा कमा लेती थी तो अब पिंकी नहीं चाहेगी कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट में कम से कम उसे टेन परसेंट मिले कम से कम उसे 10 मिले पिंकी की ऑब्वियसली ये डिजायर तो होगी पिंकी की ये डिजायर होगी और हमने देखा है जो रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर होती है वो क्या होती है दैट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर दैट इज द रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर डिजायर्ड रिटर्न ठीक है जी पिंकी पैसिव इन्वेस्टर बनती है अब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होमवर्क में जा रहा है आप इसे कैलकुलेट करके बताएंगे यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की टेन परसेंट है और इनिशियल एक्सपेंस टू परसेंट है और रेकरिंग एक्सपेंस वन परसेंट है तो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होगी ये लाइफ खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में आप सब अपने आंसर लिख दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का क्या सोल्यूशन निकलेगा ठीक है जी तो अब हम फॉर्मूला अगर देख लें फॉर्मूला क्या है रिटर्न रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर इक्वल्स टू ऑफ द म्यूचुअल फंड माइनस द रेकिंग एक्सपेंडिचर माइनस इशू एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि यू वन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है ठीक है जी वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर माई लर्नर्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड ऑल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है पर अभी भी हमारे इंस्टीट्यूट से सी ए इंस्टीट्यूट में इसके लिए क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को प्रिपेयर रहना होगा हमने जो क्लास में एग्जाम्पल कंसिडर किया था सी ए के कोर्स में आए हो सी ए के कोर्स में आए हो क्या लेके आए हो पढ़ाई का लोड लेके आए हो पढ़ाई का लोड लेके हो तो ऐसे ही अगर इन्वेस्टर किसी भी टाइम पे कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करता है मतलब एंटर करता है किसी भी म्यूचुअल फंड में जैसे आप सीए के कोर्स में एंटर कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस क्या एन एवी वन प्लस एंट्री एंट्री लोड लोड इफ इज गिवन इन परसेंटेज एड इन परसेंटेज इफ इट इज गिवन इन रूपीज एड इन रूपीज ठीक है जी अब सीए बन गए सीए बन गए सीए बन गए एग्जिट कर रहे हो सीए का कोर्स एग्जिट कर रहे हो सीए का कोर्स एग्जिट कर रहे हो तो क्या छोड़ के जाओगे लोड छोड़ कर जाओगे ठीक है या कोई सीए बनने के बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स करे तो तो वो पढ़ाई करेगा नहीं तो सीए करते करते ही बस हो जाएगी और वो सीए के कोर्स को एग्जिट करके लोड छोड़ के जाएंगे तो जब आप इन्वेस्टर सेल करता है मतलब इन्वेस्टर जब सेल करता है एग्जिट करता है तो क्या वैल्यू रियलाइज करता है एन ए वी वन माइनस एंट्री लोड वन माइनस एग्जिट लोड थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है वन माइनस एग्जिट लोड ठीक है जी जब वो एग्जिट करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए सिमिलर टर्म्स कौन सी यूज होती हैं फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दो टर्म्स भी दे सकता है पर आप समझ जाएंगे किसका क्वेश्चन है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड का क्वेश्चन है वन एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मुझे लगता है इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन बन सकता है एट मार्क्स का तो डेफिनेटली बन सकता है और आपको मैंने जो एबीसी प्लस स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन हर बार आता है हर बार आता है और कितने ही कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर कि आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते और फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और हर बार इसके अंदर आप लोग एक अच्छे मार्क्स से अपनी क्या ला सकते हैं एग्जामेशन बना सकते हैं ठीक है जी ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन दो शब्द ही है कि डिविडेंड का तो मतलब आप लोगों को पता है कि ओवर द टाइम आपको पेमेंट मिलेगी इक्वलाइजेशन का क्या मतलब है इक्वली एवरीबडी विल गेट इक्वली बट हमें पता है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में वन फोर से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक कितने मंथ्स मंथ्स हैं अब सबकी बुद्धि एक साथ तो नहीं बोलेगी ना कि हमें म्यूचुअल फंड में जाना है सबकी टिंग टोंग लाइटें एक साथ तो नहीं जगेंगी सबको आइडिया तो नहीं आएगा सब मेंटोस तो नहीं खाए एक बार में कि हमें म्यूचुअल फंड में जाना है हमें म्यूचुअल फंड में जाना है सबको ये आइडिया अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टाइम पे आएगा राइट right, गाइज तो जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में ठीक है जी मे में, में कोई आया हमारे पास किसी ने एंट्री ली कि मेरे को जाना है जी आपके म्यूचुअल फंड में और हम फॉलो कर रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हम फॉलो कर रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन को तो हम लोग क्या करेंगे एंट्री पे ही उस पर्टिकुलर कस्टमर से उस पर्टिकुलर यूनिट होल्डर को कहेंगे कि आप ओपनिंग एन दीजिए प्लस एंट्री लोड दीजिए समझ में आया कि एंट्री लोड क्यों ले रहे हैं उससे समझ में आया कि एंट्री लोड क्यों ले रहे हैं उससे राइट प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन चार्ज कर लेंगे वन मंथ का चार्ज कर लेंगे क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे एक महीने का डिविडेंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जी फिर आगे हम लोग जून के मंथ में अप्रैल से जून में बीत गए आपके टू मंथ्स अप्रैल से जून में बीत गए आप लोगों के टू मंथ्स ठीक है अब वो इन्वेस्टर बोलता है अब वो इन्वेस्टर बोलता है कि अब मुझे जाना है अब गर्मी की छुट्टियां आ गई अब मेरे को जाना है अपनी नानी के घर में ठीक है जी पर आप लोग डिविडेंड की पेमेंट कहाँ करते हैं यहाँ पे एंड में इकतीस मार्च को इकतीस मार्च को जो आपके पास आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं इनटू फेयर वैल्यू करके इनटू डिविडेंड परसेंटेज करके आप लोग पे करते हैं ना डिविडेंड लास्ट डेट पे यहाँ पे पेमेंट होती है बट वो इन्वेस्टर यहीं पे जाना चाहता है विद विदिन टू वांट्स टू एग्जिट ठीक है जी अब आप क्या करेंगे ओपनिंग एनएवी क्यों ओपनिंग एनएवी क्योंकि इस दिन पे जो भी एनएवी होगा हम लोग वही लेंगे माइनस दी एग्जिट लोड बिकॉज द इन्वेस्टर इज एग्जिटिंग एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड को माइनस करते हैं प्लस डिविडेंट इक्वलाइजेशन प्लस डिविडेंट इक्वलाइजेशन एक चीज नोटिस करिए आपने कि जब इन्वेस्टर लेट आता है तब भी हम उसको चार्ज करते हैं मतलब उसे बोलते हैं कि तुम हमें पे करो तुम हमारे म्यूचुअल फंड में लेट आए बट हम लोग फॉलो कर रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन सो वी विल एड है एंड so यहाँ पे अगर वो प्रीमे एग्जिट ले रहे हैं तो हम लोग उनको उनके दो महीने का डिविडेंड दो महीने का जो डिविडेंड है उनका उन्हें पे कर देंगे तो हम लोग प्लस कर देंगे डिविडेंड को और लिख देंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेमेंट मेड दी इन्वेस्टर तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पे हो जाएगा ये है कॉन्सेप्ट आपके म्यूचुअल फंड का तो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक से लेके एडवांस कोर्सेज तक म्यूचुअल फंड के रिवाइज करवा दिए हैं साथ में कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं आप लोग वो क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अन अकेडमी पे मुझसे जुड़ सकते हैं हमारी सब्सक्रिप्शन पाए करके जो कि है आइकॉनिक और है प्लस ठीक है जी आइकॉनिक में आपको मेंटर मिल जाते हैं और प्लस कोर्सेज में आपको हम सब के वीडियोज मिल जाते हैं और सबसे बेस्ट बात क्या है दे आर अफोर्डेबल अनलिमिटेड है आप लोग जब मर्जी देखिए जितनी मर्जी बार देखिए और लाइव सेशन में आप हमसे जुड़ के हम अपने doubts सब कुछ clear कर सकते हैं आप लोग मेरा कोड लगा सकते हैं सुखृति फॉर दी अडिशनल डिस्काउंट एंड फॉर माई फ्री हैंड होल्डिंग आई होप म्यूचुअल फंडीजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड वील बी बैक विद मोर वीडियो ऑफ रिविजन थैंक यू सो मच इन्जॉय गाइज एंडी इंडिपेंडेंस वन सेकेंड